Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to do a challenge, 9 days 9 challenge. So उस challenge में मैंने आज makeup look किया है निधि दी का, it means निधि कटियार. उनके channel का नाम निधि कटियार है. So उनका ये makeup look किया है, उन्होंने ये बताया था peacock blue eyes में and उनका affordable eye shadow वाला था something, but blue eyes वाला था peacock blue eyes का. So मैंने उन्हीं से inspire होके ये मेकअप लुक किया है. अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो एक स्पेशल मैसेज है निधि दीदी के लिए. अगर निधि दीदी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, सो प्लीज इस मेकअप लुक के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा, बुरा लगे तो भी बता दीजिएगा. सो आई ना आप सबको जानना है कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले लूंगी मैं जोब्स का स्किन टोनर, और ये कुकुम्बर वाला टोनर है. टोनर हमारे फेस के लिए नेसेसरी होता है बिकॉज जितने भी हमारे पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है एंड क्लीन करता है. सो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लूंगी स्प्रे करके. आपको जो अपने फेस पे ऐसे डैब डैब करना है, जैसे यहाँ नेक पे मैंने करा ऐसे पूरे फेस पे. टोनर को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगी जोब्स की लिप बाम, और ये मैंने पर्पल से ऑर्डर करी थी. सो बहुत ही लिप बाम है एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है. मेकअप से पहले लिप बाम लगाना नेसेसरी है क्योंकि हमारे लिप्स चापी ना दिखे. उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पे एमएल की आईब्रो पेंसिल एंड अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी. सो जस्ट आईब्रो पेंसिल को लाइन ड्रॉ करूंगी, मैं ज्यादा फिलअप नहीं करूंगी, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करके पूरी को लेके जस्ट ऐसे ब्लेंड कर लूंगी. सो यू कैन सी मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड इस आई को भी मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से. सो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी कंसीलर. सो मैंने लिया है यहाँ पे एनवाईवी का कंसीलर एंड अपने फेस पे अच्छे से कंसीलिंग कर लूंगी आईलेट्स, आईब्रोज के वहां पे एंड इवन अपनी आईलेट्स अंडर आई. सेकेंड आईलेट पे भी मैं ऐसे ही करूंगी, जस्ट ऐसे ड्रॉ करनी है जिससे आपकी आईब्रो थोड़ी एजी दिखे एंड अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. सो मैंने लिया है यहाँ पे छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. सो कैन सी सो मैंने मेरी एक आईलेट शेड, इट मींस पर्पल ये वाला पर्पल एंड इस पर्पल को
सही लग रहा है। सो दी ने क्या करा था, दी ने लिया था लिक्विड आई शेडो। सो मैं लूंगी यहाँ पे कंसीलर एंड जस्ट इसको आई लिप्स पे प्लेस कर दूंगी ऐसे एंड ऐसे करूंगी इसको हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का सा डैप करूंगी। सो यू कैन सी कि मैंने हल्का सा डैप कर दिया है। अब मैं लूंगी नियर अबाउट कलर, जो दीदी के आई शेडो का लिक्विड कलर था वो ये था। सो इसको लेके मैं जस्ट अपनी आईलिड्स जहां पे मैंने कंसीलर लगा रखा है वहां पे जस्ट डैप करते हुए कलर को और ब्राइट बनाऊंगी। जो वेट पाइप होता है उसके हेल्प से मैंने इसको हल्का सा रिमूव कर दिया था बिकॉज यहाँ से मेरा रिमूव निकल गया था। एंड ये मेरा न्यू ट्राई है इस शेप के साथ एंड बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सो उसके बाद निधि दी ने हल्का सा वो ब्लू शेड लेके उनके जो अंडर आईज थे उसको अप्लाई किया था। सो मैं भी वही करूँगी। कि मैंने हल्का सा अप्लाई कर लिया है। देन धीरे धीरे लेके पर्पल जो ये शेड है इसको लेके अपने यहाँ पे अप्लाई किया था हल्का सा इनर साइड पे हाफ लिड तक आउटर वी पे। सो कैन सी मैंने अप्लाई कर लिया है। मैं सेकेंड आईलिड करके मिलती हूँ। यू कैन सी कि मेरी आईज डन हो चुकी है। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी मार्स ग्लो का हाइलाइटर एंड इसमें से एक छोटे से ब्रश से लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे जस्ट जैसे निधि दी ने अप्लाई किया था हाइलाइटर वो जस्ट अप्लाई कर लूंगी दोनों आईलिड्स पे ऐसे करूंगी एंड यहाँ पे भी अप्लाई कर लूंगी इवन यहाँ पे भी। तो मैं आई लैशेज लगा के मिलती हूँ बिकॉज मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। सो बस आई लैशेज लगाने बाकी है। मैं लगाऊंगी लाइनर्स, मैंने अभी लाइनर का लाइनर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सो मैं पहले लाइन ड्रॉ करती हूँ। लैशेज लगाने का लाइनर ड्रॉ करना इट्स लाइक पता नहीं। सो मैं सेकंड आई पे कैसे करूंगी। सो मुझे लगता है कि मुझे काजल की नहीं है बिकॉज बिना लगाए भी इस कारण से काजल लगा रखा है। सो मैं कुछ भी प्लान कर रही हूँ। नीली नहीं है, दूसरा काजल पैक करता है, मेरे पास कोई दूसरा काजल नहीं है, लाइनर है बट मैं लगा इसकी। सो मेरा मतलब फेस मेकअप होने के बाद मैं अपने फेस को मतलब सिर्फ आई मेकअप होने के बाद सिर्फ आई मेकअप होने के बाद मैं अपने पूरे फेस को जस्ट क्लीन आउट करूंगी। जितना भी एक्सेस मेकअप होगा वो जस्ट वेट वाइप में आ जाएगा। इवन लिप्स पे से भी मैं लिप बाम रिमूव कर दूंगी। आईलिड्स के यहाँ पे मतलब इतना दूर से रिमूव किया बिकॉज मैंने वहाँ पे कंसीलर को अप्लाई कर रखा है। सो जस्ट रिमूव करने के सो मेरा मेकअप होने के बाद मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर मेरी अंडर आईज पे। सो जस्ट ऐसे कंसीलर अप्लाई करेंगे अंडर आईज, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ओ शिट, इट्स ओके। सो मैं जस्ट इसको जस्ट ब्लेंड आउट कर लूंगी। I don't know why आज मैंने ऐसा क्यों करा कंसीलर के साथ बट इट्स ओके। इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद तो कंसीलर के अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन एंड मैंने पता नहीं क्या कर दिया है ये जो भी है बट अब मैं फाउंडेशन लगा लूंगी। सो जस्ट अपने फेस पे बहुत ही मतलब मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैचिंग है देख सकते हैं। एंड अभी देखना है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है बट आई फील दैट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बट ऐसा नहीं है।
अब इसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से जस्ट ब्लेंड कर दूंगी. सो यू कैन सी जस्ट को ब्लेंडर में कंडीशनर करने के बाद अगेन मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी. सो फेस को सेट करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे अनबाय बे का कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड यू कैन सी कि मतलब कितना ज्यादा अच्छा फिनिश दे दिया उसने. मेरी नाक पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है. एंड जस्ट ओह गॉड मेरे हेयर्स पर भी लग गया बट इट्स ओके आई विल मैनेज. एंड जस्ट पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर को अप्लाई करूंगी जिससे क्रीज ना दिखे हमारे फाउंडेशन में. ओके मैंने मेरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है. उसके बाद लूंगी मैं मार्स का यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट. एंड इसमें से ये जो शेड है इसको लेके जस्ट 1 2 3 इसको अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा क्रीम कॉन्टोर लिया है. आप पाउडर कॉन्टोर भी ले सकते हैं. जस्ट इसको ब्लेंड करने के बाद अगेन मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूंगी. You can see, इसके बाद अप्लाई करूंगी मैं ब्लश. सो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हिलेरी हुडा का ब्लश पैलेट. एंड इसमें से क्योंकि नीति दी ने भी न्यूट्रल शेड लगाया था तो मैं भी न्यूट्रल शेड ही अप्लाई करूंगी. एंड देन जस्ट अप्लाई कर दूंगी जस्ट. तो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हो चुका है मेकअप. बाकी आप लोगों के हाथ में आप बताएं कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है. सो इट्स ओके. एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ हाइलाइटर. मतलब बहुत ही अच्छा हाइलाइटर मतलब बहुत ही जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई दिखने लगती है. उसके लिए लूंगी यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर जो है ग्लैम 21 का स्प्रे मेकअप फिक्सर. सो यहाँ पे फैन ब्रश पे जस्ट ऐसे डैप करके अपने हाइलाइटर को आपको लेना है. इसे बहुत ही अच्छी ट्रिक है. इसको अप्लाई करते देख सकते हैं आप मेरे फैन ब्रश में कितना ज्यादा आ गया. एंड दिस इससे क्या होगा जो आपका हाइलाइटर है ना वो काफी देर तक स्टे रहेगा. यू कैन सी मतलब बहुत अच्छा फिनिश आ गया है. एंड जो ज्यादा यू कैन सी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से एक तो हाइलाइटर सेट भी हो गया एंड देन हमारी स्किन ग्लोई भी दिखने लग गई. सो जस्ट आप देख सकते हैं इसके बाद लगाऊंगी मैं लिपस्टिक. सो यू कैन सी कि सेम शेड है दी वाला ही मतलब सेम वो लिपस्टिक तो नहीं है बट हाँ मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है. एंड थोड़ा सा लाइनर इसके बाद लूंगी मैं ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सर एंड अपने फेस को अच्छे से सेट करूंगी. सो 1 2 3 ओह गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा मेकअप फिक्सर लग गया. अब इसको हम जल्दी से ब्लेंड अच्छे से सेट कर लेंगे. सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ पे फाउंडेशन लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से डैप कर ली हूँ.